हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए स्पेशल छोले की रेसिपी लेके आए। ये रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी और घर में ट्राई जरूर करना, वीडियो एंड तक वॉच करना। दालचीनी का टुकड़ा, दो लौंग और चार काली मिर्च हम कूट के लिए। तो हमने दो बड़ी प्याज ली है। तो फ्रेंड्स, हमारा प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब दो टमाटर है हमारे पास, तो इसको भी बारीक हम चॉप कर लिए थे। तो फ्रेंड्स, हमने टमाटर डालना है तो सॉफ्ट होने के लिए नमक डालना है। हमारे पास दो हरी मिर्ची कटी हुई है, वो डालते हैं। हमारा अदरक लहसुन का कच्चापन ऐड गया है, अदरक मसाले डालते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पहले टमाटर सॉफ्ट होने के लिए भी आप टीस्पून नमक डाला था और अभी भी डाला है, कुल मिलाकर एक चम्मच नमक हो गया। ये आप टीस्पून काला नमक डाल दें। ये एक टीस्पून लाल मिर्च डाल दें। ये आप टीस्पून जीरा पाउडर डाल दें। ये हल्दी पाउडर एक टीस्पून, एक टी स्पून ये धनिया पाउडर, अपने हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने एक चम्मच छोले निकाले थे उबले हुए, उसी को पीस के ऐसे ग्रेवी बना रही हूँ।
भी हम फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स हम इसको 2 मिनट पकाएंगे, इसका तेल सारा अलग हो जाएगा तो हमारी ग्रेवी पक जाएगी। हमारी ग्रेवी पक चुकी है, अब हम उबले हुए छोले डालते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम ढक के 5 मिनट पकाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे छोले पकते हुए 5 मिनट हो चुकी है, अब हम चेक करते हैं। फ्रेंड्स हमारे छोले पक गए हैं, पक्के रेडी हो गए। तो अब इसमें हम ये कसूरी मेथी ली है, तो फ्रेंड्स आप टीस्पून हमने लिया अमचूर पाउडर, तो भी मिक्स कर दिया। अब डाल दें हम धनिया का तवा, इसको मिक्स कर दिया। अब हमारे छोला बन चुके हैं। फ्रेंड्स हमारे छोले बन के रेडी हो गए। अगर आपको पसंद आए ये रेसिपी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और